कुरुनी विधानसभा उपचुनाव से इस वक्त बड़ा अपडेट लेकर के आप तमाम दर्शकों के लिए हम मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त, जब 19 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हुई है कुरुनी में, तो बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने वापसी कर ली है। 56 वोट की बढ़त, बेहद मामूली सी बढ़त है, लेकिन 18वें राउंड तक मनोज कुशवाहा 2400 से ज्यादा वोटों से, 2477 वोटों से आगे थे, और अब एक बार फिर से केदार गुप्ता ने 56 वोट की बढ़त बनाई है। और यह सबसे बड़ा अपडेट, सबसे चौंकाने वाला अपडेट इस वक्त कुरुनी से सामने आ रहा है। कुरुनी में कुल 23 राउंड में मतगणना पूरी होनी है। अब जबकि 19 राउंड की मतगणना हो चुकी है, तो 4 राउंड और मतगणना होनी है, और उसके पहले ये मामूली सी बढ़त अगर केदार गुप्ता ने बना ली है, तो समझिए कि बहुत दिलचस्प वहां पे मुकाबला होने वाला है। 2020 में जो तस्वीर देखने को मिली थी कुरुनी में, 712 वोट से केदार गुप्ता हार गए थे, तब अनिल सहनी आरजेडी के उम्मीदवार थे, और बाद में वहां से चुनाव जीते, 712 वोटों से अनिल सहनी विधायक बने, उनकी सदस्यता गई, तो कुरुनी में एक बार फिर से उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस वक्त आगे पीछे का जो खेल है कुरुनी में, वो किसी T20 मुकाबले, क्रिकेट के T20 मुकाबले से कम नहीं नजर आ रहा। जिस तरह ओवर बॉल और रनों की दरकार होती है, कभी कोई टीम भारी तो कभी कोई टीम पीछे तो कभी कोई टीम आगे, वही मुकाबला इस वक्त कुरुनी में देखने को मिल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं अब तक का पूरा अपडेट जो है वो क्या रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बना के रखी, 4 राउंड तक केदार गुप्ता आगे थे, 5वें राउंड में मनोज कुशवाहा ने वापसी की, मनोज कुशवाहा 1 राउंड में आगे हुए, 6ठे राउंड में फिर बीजेपी के केदार गुप्ता आगे हो गए, 7वें-8वें राउंड तक आगे रहे, 9वें राउंड में फिर मनोज कुशवाहा आगे हुए, और उसके बाद लगातार थोड़े थोड़े अंतर से मनोज कुशवाहा आगे चलते रहे। 18वें राउंड में मनोज कुशवाहा के पास कुल 2477 वोट की बढ़त थी, लेकिन 19वें राउंड का जो अपडेट अभी अभी आया है, जब ये खबर आपको बता रहे हैं, उस वक्त मनोज कुशवाहा पिछड़ गए, मनोज कुशवाहा 56 वोट से पीछे हैं। बहुत टाइट सिचुएशन इस वक्त कुरुनी में, काउंटिंग के दौरान दोनों उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, किसी को नहीं मालूम कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन बेहद दिलचस्प मोड़ में इस वक्त कुरुनी का विधानसभा उपचुनाव है, क्योंकि 56 वोट की बढ़त बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के पास है। 20, 21, 22 और 23 यानी अंतिम 4 राउंड में किसके लिए पासा फिट बैठेगा, कौन भारी पड़ जाएगा, हर अपडेट सबसे पहले फर्स्ट बिहार पे, बने रहिएगा हमारे साथ।